हेलो एवरीवन, एसिल इंजरीज स्पोर्ट्स पर्सन में क्यों कॉमन होती है, आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु बोरा एंड डॉक्टर अखिल अग्निहोत्री, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट। माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट। स्पोर्ट्स पर्सन में एसिल इंजरी के साथ में और कौन सी इंजरीज कॉमन हैं, डॉक्टर अखिल अग्निहोत्री से आइए इसके बारे में जानते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स में ACL टीयर के साथ मोस्ट कॉमनली लैटरल मेनिस्कस टीयर भी मिला जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो मोड ऑफ इंजरी होती है वो वैलगस इंजरी होती है, जिसकी वजह से लैटरल मेनिस्कस पे जोर पड़ता है और वो फट जाता है। साथ में मिडिल मेनिस्कस टीयर्स भी काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। इसके अलावा MCL मिडिल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी, LCL लैटरल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी भी ACL इंजरी के साथ पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर अखिल ने बताया कि इतनी सारी इंजरीज़ हो सकती है ACL के साथ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारी इंजरीज़ को एड्रेस करें। सो, एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन का चुनाव ज़रूरी है, जो आपको ACL इंजरी की ट्रीटमेंट के साथ साथ MCL, LCL, PLC या मेनिस्कस, इसमें क्या क्या इंजरीज़ हो रखी है और उसको कैसे ठीक करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंजरी का ऑपरेशन ही हो। कई बार LCL, MCL के अगर ग्रेड 1 टीयर होता है, स्ट्रेन होता है, तो हम बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर सकते हैं। वहीं अगर उसका ग्रेड 3 टीयर है तो हीलिंग होने के चांसेस होते हैं, पर कई बार हीलिंग के लिए छोड़ा नहीं जाता लिगामेंट को, क्योंकि अगर हम आपका ACL का ऑपरेशन हो रहा है और साथ में ग्रेड 3 टीयर है LCL का या MCL का, और अगर उसको डॉक्टर छोड़ देते हैं तो बाद में दोबारा ऑपरेशन होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से इंजरीज़ को एड्रेस किया जाए, उसको डायग्नोस किया जाए। मेनिस्कस में रिपेयर पॉसिबल है, MCL, LCL में भी रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टिप इंटरनल ब्रेस पॉसिबल है। सो, रिहेबिलिटेशन भी इससे काफ़ी फास्ट हो जाता है।